एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम अकबाल जी की साहित्यिक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय लिखा कैसे जाता है। आज हम साहित्यिक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 12 आने वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं। मैंने ये न्यू आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2021-22 दोनों स्टूडेंट के लिए है, जिनका पेपर आज अभी नहीं हुआ है उनके भी लिए, जो अगला भी देंगे उनके भी लिए है। तो ये न्यू मॉडल के आधार पर मैंने आज लाया है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बोर्ड में। जो एक पेज में अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा एकदम बढ़िया। अच्छी शब्दों पर मानक आधार पर मैंने बनाया है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन परिचय पहले देख लेते हैं, इसके बाद साहित्य की उपलब्धियाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनका जन्म अकबाल जी का जन्म 1940 में हुआ था। इनका स्थान पहले भी लिख देंगे, दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर जन्म लिखेंगे, स्थान लिखेंगे। स्थान का होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तीसरे नंबर पर उनकी शिक्षा क्या था, शिक्षा हो गई PhD। सकते हैं 5-6 लिख देंगे, इससे आपका साहित्य जो जीवनी हो, जो साहित्य परिचय हो, जो आप इस पेज में लिखेंगे तो इतने आकर्षित करेगा टीचर को, आप आपको फुल फुल नंबर दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 4-5 जो आपको याद हो उतने में लिख देंगे, आपको फुल फुल नंबर मिल जाएगा। ये देखते हैं कौन कौन सी रचना है। काल प्रवश, पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, रक्धारा, भारत की एकता, रक्धारा स्वाद यहाँ पर 2 बार हो गया। आदि रचना है, आप देख सकते हैं मैंने 1-2-3-4 रचना लिखे, 5 रचना, आप भी 5-6 रचना जो जितनी याद हो उतनी लिख सकते हैं। एक बोर्ड पर आप बैठ कर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको समय तो विशेष ध्यान देना है, इसलिए 80 शब्द आप कम से कम लिखिए। इतना भी कम नहीं लगे, लिख दीजिए कि बहुत कम लगे, फिर भी आप 80 शब्दों को मानक आधार पर बोर्ड कहता है कि आप 80 शब्दों में लिखिए। तो आज हम 80 शब्दों में लाए हैं, कैसे क्या लिखना है 80 शब्दों में, तो कैसे क्या अटेंड करना है, कैसे कैसे करना है, समय आपको बहुत कम रहता है, इसलिए हम समय को विशेष ध्यान देते हुए ऐसे साहित्यिक परिचय लाए हैं, जिससे आपको ऐसा अगर आप लिख देते हैं तो आपका मैं दावा करता हूँ एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आइए देखते हैं अब साहित्यिक परिचय में क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए साहित्यिक परिचय, आप लिखिए चाहे ना लिखिए, यहाँ पर लिखना उतना कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिखना है, आप लिखिए या ना लिखिए, बस वहाँ पर एक ऐसा देखने को सुशोभित लगे थोड़ा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या है। आइए अगला देखते हैं, उनका साहित्यिक परिचय होगा डॉक्टर प्राचीन भारतीय संस्कृत और पांडित्य कहा जाता है। संस्कृति है इसको हम विज्ञान की दृष्टि से प्रयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत ही सुशोभित होगा। आइए अगला देखते हैं, डॉक्टर अकबाल जी अपने ग्रंथों रचनाओं में हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का प्रमुख रूप से प्रयोग किया, जिसमें से उन्होंने अपने रचनाओं में अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया
में कहते हैं कि डाटा वास्तव में अनुवाद की अपने ग्रंथों रचनाओं में हिंदी संस्कृत उर्दू आदि भाषाओं का प्रमुख रूप से उपयोग किया। इससे इनकी रचनाएं, इनकी ग्रंथ, इनकी प्रमुख रचनाएं अधिक अधिक प्रकाशित हुई। जिससे इनकी रचनाएं और ग्रंथ प्रफुल्लित हो उठती हैं। अर्थात कहने का मतलब है, इन्होंने अपनी संस्कृत, अपने ग्रंथ में, अपनी रचनाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया, जिससे इनकी भाषा, इनकी रचनाएं अधिक प्रकाशित हुई, अधिक सुशोभित हुई, अधिक प्रफुल्लित हुई हैं। और इसी प्रकार इन्होंने अपना हिंदी साहित्य में महान योगदान देकर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। साहित्यिकपरिचय को विराम देते हैं, इसी प्रकार अंत कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार के और जीवनी देखने के लिए और अधिक साहित्यिक परिचय देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। अगर आपको इसका आगे का पार्ट और प्रमुखों जैसे कि जयशंकर प्रसाद हैं, इनकी सभी और अधिक मैथिली सामग्री जी, इनकी भी जीवनी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको और अधिक जीवनी चाहिए अगर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए आराम से पढ़ लें। आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, हम बंद करते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लॉकडाउन में पढ़ते रहिए घर में।